Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 7th एपिसोड कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. इसके पहले भी मैंने सारे एपिसोड को एक्सप्लेन करा हुआ है और उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप उसको भी देख लेना. ये वाला जो एपिसोड है वो बाकी सारे एपिसोड से काफी ज्यादा डिफरेंट है, हॉरर के उसमें भी और स्टोरी लाइन के केस में भी, जहाँ पे हम एक काफी ज्यादा रिच आदमी जिसका नाम लियोनल है उसको फॉलो करते हैं. ये वाला जो एपिसोड है इसकी जो साउंड इफेक्ट्स हैं या फिर जो कैरेक्टर्स के बीच में कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, इसको हम एक बहुत डिफरेंट तरीके से देख पाते हैं. ऐसा लगता है जैसे वन ऑन वन फील आ रहा है कि आप ऐसी चीज के अंदर सक इन होते जा रहे हो जिससे आप चाह कर भी बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको एक इन्विटेशन आता हुआ दिखाया जाता है और हमें ऐसा फील आता है कि जैसे वो इन्विटेशन हमारे लिए ही है. जिसके बाद हमको एक लियोनल नाम के बंदे को दिखाया जाता है जिसको द कलेक्टर नाम से बोला जाता है, जिसने 4 अलग अलग लोगों को बुलाया हुआ होता है अपने घर पे. उसको बेसिकली द कलेक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रेयर आर्ट पीसेस या लोगों को कलेक्ट करता है एक तरीके से, जो कहीं भी जल्दी मिलते नहीं हैं. बेसिकली वो ऐसी चीजें होती हैं जो उसको काफी ज्यादा पसंद आई हुई होती हैं, जिसके बदले में वो कुछ और देने को तैयार रहता है. हमें ये भी पता चलता है कि उसने बोला होता है कि ये जो चीजें हैं वो कलेक्ट करता है उसको एक्चुअली में कलेक्ट करने के लिए उसको काफी ज्यादा पैसे देने होते हैं. मतलब ये कि उसको एक एक्सक्लूसिव होल्ड चाहिए होता है उन सारी चीजों को लेके, जिसके लिए वो अपना जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन कर सके और जो उसका फसाड है उसको वो टूटने ना दे. हमें यहाँ पे 4 लोगों को दिखाया जाता है जो अपने अपने फील्ड में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं. उनको सैंड पाइपर हाउस में बुलाया जाता है जिसका ओनर एक्चुअली में द कलेक्टर ही होता है. सबसे पहले हमको शार्लेट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो साइंटिफिक फील्ड में काफी ज्यादा अच्छी होती है. दूसरा इंसान का नाम होता है गाय, जो एक्चुअली में एक काफी ज्यादा एक्सपर्ट इंसान होता है और वो काफी अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखा करता है. और हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल होता है म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे वो बेसिकली ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है अपना जिससे कि वो सारे जो गाने होते हैं वो हिट हो जाते हैं. उसका नाम होता है रैंडल. स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा एपिसोड बोरिंग लगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हमें बेसिकली सुनाई देती है लोगों के बीच में, जो हो सकता है काफी ज्यादा मोनोटोनस लगने लगे. मगर अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे और बैकड्रॉप के हिसाब से सुनेंगे तो वो एक्चुअली मेन फोकस होता है पूरे एपिसोड का. एपिसोड के स्टार्टिंग में इन्विटेशन लेके उन चारों को वहाँ पे डाइनिंग रूम में बुलाया जाता है उस घर के, जहाँ पे सोफाज लगे हुए होते हैं और जो लाइटनिंग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और वो देख के काफी अच्छा भी लग रहा होता है. उनको वहाँ पे ग्रीट करा जाता है उन चारों के फेवरेट ड्रिंक्स को लेके. पहले तो सब चीज नॉर्मल लग रही होती है और वो लोग अपने अपने बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज तो होते हैं कि वो क्यों है वहाँ पे, और एक दूसरे से थोड़ा बात करते हैं. मगर जैसे ही वहाँ पे द कलेक्टर आ जाता है तो जो चीजें हैं वो धीरे धीरे करके अनफोल्ड होनी शुरू हो जाती है. लियोनल के आने के बाद हमको डॉक्टर ज़ारा के बारे में भी मालूम चलता है और यहाँ पे जो मेकर्स हैं इस एपिसोड के वो हमें बहुत अच्छे तरीके से ये हमारे माइंड में लाना चाह रहे होते हैं स्टार्टिंग से ही कि यहाँ पे लियोनल के और चारों लोगों के बीच में काफी ज्यादा बुरी चीज होने वाली है. मगर हमें एपिसोड आगे देखते हुए मालूम चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है. एक बार को हमारे दिमाग में आ सकता है कि जो इस एपिसोड की एंडिंग में हुआ है वो हो सकता है लियोनल ने ही प्लान करा हुआ हो, मगर ऐसे होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है. हमें यहाँ पे अलग अलग टॉक्सिन्स को उनके बॉडी में हम लोग जाते हुए देख पाते हैं जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस को अपने बॉडी में डालते हुए. ये बेसिकली इसलिए किया जाता है जिससे कि एक शील्ड जो इंसान बनाकर आया हुआ होता है वहाँ पे मिलने के लिए पहले, या फिर एक इंसान अपना एक शील्ड और एक कवर लेके चलता है किसी से भी पहली बार मिलने जाता है, उसको बेसिकली लो करा जा सके. ये ऐसा इसलिए करा गया था जिससे कि वो लोग आराम से चीजों को एक्सपीरियंस कर सके एक ओपन माइंड के साथ, और जो लियोनल उनको दिखाना चाहता है वो एक्चुअली में वो ओपन माइंड से देख भी सके. आगे चल के हमको मालूम चलता है कि वो चारों एक सेम लेवल पर आ गए होते हैं इन सब सब्सटेंसेस को यूज करने के बाद. तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि इन सबका मेंटल स्टेट तो अब बराबर हो चुका है, मतलब कि एक सेम लेवल पर है चारों, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि चारों अलग अलग फील्ड से आते हैं. मगर रैंडल को यहाँ देख के लग रहा है कि वो लियोनल के जो पर्सुएशन है उससे सबसे ज्यादा वो ससेप्टेबल हो रहा है. यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने की ये है कि लियोनल बेसिकली यहाँ पर जब आता है उन लोग को काफी अच्छा और स्पेशल फील कराता है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके दिमाग में डालता है जिससे कि वो लोग आराम से वहाँ पे सेफ फील कर सकें और अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से ओपन अप कर सकें चीजों को लेके. ऐसा इसलिए करा गया था, फिर से याद दिला दूं, जिससे कि लियोनल जो चीज दिखाना चाहता है उस चीज को वो देख सके. और लियोनल यहाँ पे स्पेसिफिकली ये भी बोलता है कि उन चारों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से हैंड पिक करके चूज करा गया है जिससे कि वो लोग अपनी आंखों से वो चीजें देख सके जो वो उनको दिखाना चाहता है. ऐसा इसलिए भी करा गया था क्योंकि वहाँ पे वो जो चारों लोग थे वो अपने अपने फील्ड में एकदम टॉप पे हुआ करते थे और वो चाहता था कि जो चारों एकदम ही डिफरेंट इंडस्ट्री
चीज से आते हैं, वो चारों अपना गार्ड डाउन करके चार डिफरेंट परसेप्शन से उसकी दिखाई हुई चीज को देखें, जैसे कि आर्ट या फिर साइंस को लेके ऐसा हो रहा है, जिससे कि वो चारों अपना अपना अलग अलग डिफरेंट टाइप का ओपिनियन अपने डिफरेंट डिफरेंट जिस एरिया से आए हैं उसको लेके उस चीज के लिए दे सके। एक छोटी सी चीज यहाँ ध्यान देने की और है कि जब वो लोग वैन में होते हैं, जब उस घर में जाने के रास्ते में, तो उन चारों का जो ओपिनियन होता है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, वो हम लोग पहले ही नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पे जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तो हम एक और चीज देखते हैं कि जो हेक्टर है वो चाहता है कि वो चारों एक दूसरे से बात ना करें, और ऐसा बेसिकली लायनल ने बोला है। ऐसा हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि उन चारों के बहुत अलग अलग चीजों को लेके ओपिनियन है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि एक दूसरे से बात करके एक दूसरे के ओपिनियन के इन्फ्लुएंस में वो लोग आ जाए, जिससे कि उनका जो खुद का ओपिनियन है किसी चीज को लेके वो एकदम ही प्योर रहे। क्योंकि अगर वो लोग एक दूसरे का ओपिनियन सुन के, एक दूसरे के बातों में अगर आके अपना ओपिनियन चेंज कर देते हैं, तो जिस पर्पस से बेसिकली उनको अलग अलग तरीके से हैंड पिक करा गया था जिस चीज के ओपिनियन को लेके, उस चीज को वो कहीं ना कहीं जाके हैम्पर कर सकता है। हमें आगे दिखाया जाता है कि उन चारों को वहां पे लेके गए हैं जहां पे लायनल ने अपनी चीज को कलेक्ट करा है, और हम इमीडिएटली देख पाते हैं कि उन चारों का उस अननोन ऑब्जेक्ट को लेके अलग अलग ओपिनियन भी है। स्टार्टिंग में चार में से तीन लोग तो एकदम से उस ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, मगर जो गाय था वो एकदम भी उस चीज को लेके केयर नहीं कर रहा था स्टार्टिंग में। मगर जैसे ही रैंडल ने यहाँ पे स्मोक को ब्लो करा कि एकदम से गाय का जो रिएक्शन है हमने उसको चेंज होता हुआ देखा, जो एक्चुअली में पहले जितने भी टेस्ट हुए थे तब उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। बेसिकली वो जो अननोन ऑब्जेक्ट था वो बेसिकली हो सकता है एक एलियन एग है, जो एक्चुअली में द रॉक जैसी जगह से लाया गया था और वो वहां पे हैच हुआ है, और उस चीज ने उन चारों को अपने अपने तरीके से उस रूम के अंदर होल्ड कर लिया था। हम यहाँ देख पाते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर ज़ारा और गाय का जो फेस है वो भी मेल्ट होने लग गया है। ये एक तरीके से हम देख सकते हैं कि ब्रेकिंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं कि शार्लेट और रैंडल जो है वो किसी तरह से अपने आप को वहां से फ्री करके भागने की तैयारी में लग जाते हैं। मगर यहाँ पे लायनल अभी भी उस चीज को लेके उसके होल्ड में या उसके ग्रास्प में ही था, और वो काफी ज्यादा मेस्पराइज था उस चीज को लेके जो उसके सामने हो रही है उसको देख के। इवेंचुअली क्या होता है कि वो जो एलियन था वो बेसिकली हैच होने के बाद लायनल जो एकदम नम खड़ा था और हिल नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मेस्मराइज हो गया था जो चीज उसके सामने है उससे, तो उस क्रीचर ने हैच होने के बाद लायनल की बॉडी को होस्ट की तरह से इस्तेमाल कर लिया था और हमें हेल्प मी उसके अंदर से सुनाई भी दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में जो कलेक्टर है वो अब कलेक्टेड हो चुका है। हेक्टर ने यहाँ पे इस चीज को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करी थी, मगर हम देख पाते हैं कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बोल्ट्स थे उसके वजह से वो खत्म हो गया था। वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बोल्ट्स जो एलियन छोड़ रहा था बार बार। हमें एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि वो जो एलियन क्रीचर है वो सीवर्स के अंदर चला जाता है और ऐसी जगह से निकलता है, एकदम ही डिफरेंट जगह से इमर्ज होते हुए आता है जिसको उस घर से कोई भी ताल्लुकात नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो क्रीचर है अब वो सिटी के तरफ जाने लग गया है और वहाँ पे रहते हुए लोगों के लिए वो काफी ज्यादा मुसीबत खड़ा करने वाला है। हमें यहाँ पे एपिसोड के एंड में ये तो नहीं मालूम चलता कि शार्लेट और रैंडल के वहाँ से ड्राइव अवे करने के बाद उनके साथ क्या हुआ, मगर एक तरीके से हम अपने माइंड में ये चीज समझ सकते हैं कि ये सारी चीज के होने के बाद वो काफी ज्यादा ट्रॉमा में चले गए होंगे। ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा था देखने में, क्योंकि इसके जो बैकग्राउंड के साउंड्स थे और जो भी चीजें इन्होंने सिनेमाटोग्राफी में यूज करी थी वो काफी ज्यादा अच्छा था देखने के लिए। तो एक बार तो आप इसको जरूर देखना, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी। अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।